मुझे पता नहीं क्यों यार, मेरे को वापस लग रहा है ना बैक कैमरा पे जाना पड़ेगा। मैं जब से फ्रंट कैमरा पे कर रहा हूँ ना, अपनी शक्ल जब भी देखता हूँ ना, दिल से सवाल आता है अरेंज मैरिज भी हो पाएगी मेरी? कल से बैक कैमरा। जिंगार नहीं, हिंदी वर्जन नहीं बे, मराठी वर्जन, क्योंकि वो एवरग्रीन है। सहवेज ब्रो से ना चेक आउट mevogainet.com/shop, लिंक इन डिस्क्रिप्शन ब्रो। ओके जस्ट इन केस तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है, तो कल या आज में मेरे ख्याल से जिंगार का हिंदी वर्जन रिलीज हुआ है। ओह माय गॉड सीरियसली ब्रो, ये तो टट्टी है। मतलब तुम में से किसी को याद है अभी कुछ दिन पहले अनुष्का शर्मा की एक क्लिप बहुत वायरल हुई थी, ये वाली, व्हाई आर यू थ्रोइंग गार्बेज ऑन द रोड, प्लीज बी केयरफुल, यू कांट जस्ट थ्रो गार्बेज अराउंड लाइक दैट ऑन द स्ट्रीट्स, यूज अ डस्टबिन। मुझे पर्सनल लगता है करण जौहर ने इसकी बात सुन ली थी, इसलिए घर से निकल नहीं रहा वो, ऑनलाइन गाने पहले जा रहा बकरी के साथ। मतलब जब ये गाना आया ना, हम में से बहुत सारे लोगों का सेम रिएक्शन था, ये हिंदी वर्जन है? नो गॉड प्लीज नो 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 नो। मतलब सीरियसली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक्चुअली वो गाना पसंद आया हिंदी में भी। अबे इतना बुरा स्टैंडर्ड है तुम्हारा, मान लिया तुम सिंगल हो, पर डेस्परेशन की ऐसी भी क्या हद कि तुम्हें ये पसंद आ रही है? सीरियसली ब्रो, वी आर ब्रोस सेना मैन, वी आर द स्ट्रांगेस्ट फैमिली ऑन द इंटरनेट, ऐसी पसंद है तुम्हारी? छी जी आती है मुझे। जब से हिंदी वर्जन रिलीज हुआ ना, ट्विटर वाले पागल हो गए, कंपैरिजन पे आ गए भाई। अगर ओरिजिनल ये है तो हिंदी वर्जन ये है, अगर ओरिजिनल ये है तो हिंदी वर्जन ये है, अगर ओरिजिनल ये है तो हिंदी ये है। साला मतलब इतने ज्यादा ऑब्सेस हो रहे कि देखना देखना इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग होंगे, अबे इतना बुरा भी नहीं था। और मेरे दिल से ना सिर्फ एक ही सीन आता है, पागल है क्या? नहीं 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 नहीं, ये सही से बयान नहीं कर रहा यार, मेरे जज्बात सही से बयान नहीं कर रहा, ये वाला। कसम गंगा मैया की, घर में घुस कर मारूंगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जी म्यूजिक वाले इसको प्रमोट भी कर रहे हैं। नहीं जी म्यूजिक, आई लव जी म्यूजिक, पर यार स्पॉन्सर करने की क्या जरूरत, तुम्हें पता ऑलरेडी हाइप है, लोग देख लेंगे ना। मुझे पता भी नहीं था क्योंकि मैं ट्रेंडिंग पे देखता नहीं, देख के भी क्या करना, खुद तो पहुंचना नहीं वहाँ पे, पहुंचने की कोई आशा है नहीं, उम्मीद है नहीं, तो मैं देख के क्या करेगा, तो मैं देखता भी नहीं। बट मैं फेसबुक पे कभी कभार चला जाता है, साला टॉप पे स्पॉन्सर्ड एड आता है जिंगर का हिंदी वर्जन, और जिसने भी वो मार्केटिंग कैंपेन चलाई है ना, दिल से बस तुम्हें एक ही बात कहना चाह रहा हूँ मैं, जनता माफ नहीं करेगी। और गलती से तुम उन लोगों में सुनो जो मेरी बकवास सुनने के बाद ही कमेंट करके बोलेंगे नहीं बे बहुत चुप बैठ रहा था, मौज बैठ रहा था सड़ी के, अब तो सर बोल दे भोस के। अभी सडनली ना बहुत सारे लोग अतुल अजय को ब्लेम करने लग गए इस घटिया हिंदी वर्जन के लिए, बट अगर तुम दिल से सोचो ना, अतुल अजय का कोई फॉल्ट नहीं है उसमें। अगर तुम्हें किसी को ब्लेम देना है, करण जौहर को दो, फराह खान को दो, उस राइटर अमित भट्टाचार्य को दो जिसने ये लाइनें लिखी हैं, इस सरिया मारो बर्मा पधारो मारी कंट्री मारे, अबे तेरे इलाके में रहता है वो, तू अलग कंट्री में नहीं रहती, तू आलिया भट्ट नहीं है, कंट्री क्या होता है बे? मतलब अगर तुमने जिंगट मराठी वर्जन देखा है ना, तो उसमें बंदा क्या होता है, बाइक पे बैठता है दोस्तों के साथ और फिर वहां जगह पे पहुंचता है जहां पे फंक्शन हो रहा होता है। बट इस गाने की एक और लाइन है, 10 मिनट पैदल चल के आए हो और तू मोटरसाइकिल पे निकल गई, बंदों ने इसको बाइक नहीं दी, अबे जीप दे देते वो भी नहीं दी, जस्ट बिकॉज इनको अपने लिरिक जस्टिफाई करने थे। मतलब इतना शिटी लिखा हुआ ये गाना है, अमित भट्टाचार्य आई हैव अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर, बहुत अच्छे गाने भी लिखे हैं और टट्टी भी लिखता है वो। बट ये गाना ना भाई ने पूरा कमर्शियल जाने के चक्कर में लिखा है और प्रेशर में लिखा है, ये मैं तुम्हें बता सकता है। मतलब इस पूरे गाने में सिर्फ दो पार्ट अच्छे हैं लिरिक्स वाइज, जिसमें से एक पार्ट मैं अमित भट्टाचार्य को क्रेडिट देता हूँ और एक क्रेडिट उस बंदे का जिसने ओरिजिनल लिखा था, क्योंकि उसने कोरस लिखा था जिंग जिंग जिंगा, वो अच्छा था, मानो या ना मानो वो अच्छा था, क्योंकि कोई चेंजेस थे नहीं, मराठी में भी वही था, हिंदी में भी वही था। बट कोरस से पहले जो हुक मारता है ना बंदा, तेरा हसीन चेहरा आहा मेरे लबों से निकला वहा, ढूंढ गूगल पे जाके मेरा जैसा मजनू मिलेगा कहा, बीबी सुन रही हो, गूगल पे ढूंढ लो नहीं मिलेगा, मानो या ना मानो तेरी किस्मत में ही लिखा हूं। मुझे एक्चुअली ये लाइन अच्छी लगी थी, और इसके आगे ये कुछ नहीं, ये सब टट्टी है। और अगर तुम उन लोगों में से जो गाने के लिए अतुल अजय को ब्लेम कर रहे हो, ब्रो यू आर रॉन्ग ब्रो, उन्होंने अपना बेस्ट ट्राई किया, सो डोंट ब्लेम देम। द ओनली रीजन तुम्हें ये गाना पसंद नहीं आया, पहला क्योंकि तुमने म्यूजिक वीडियो के साथ ये गाना देखा है, अगर तुमने मराठी वर्जन नहीं सुना होता, या तुमने म्यूजिक वीडियो नहीं देखी होती, सिर्फ ऑडियो सुना होता, ये गाना एक नंबर होता, क्योंकि वीडियो की शुरुआत देखी है तुमने, वीडियो की शुरुआत में तुम्हें ये शक्ल देखने को मिलती है, अबे हार्ट अटैक आते आते रह गया मुझे, देख लिया, और बाय गॉड स्टेप देखा तुमने,
क्या खुजा खुजा कह रहे हो? अरे खुजा कह रहे हो? जनता जवाब चाहती है, इच कार्ड दो लाके कोई। ये मजबूर है पर आप नहीं। इस गाने की म्यूजिक वीडियो से एक लौती चीज जो तुम्हें सीखने को मिलती है, दैट डैब इज नॉट डेड मैन, डैब इज नॉट डेड। एक इनोसेंट लो क्लास फैमिली में बनाया गाना मिडिल क्लास फैमिली को रिप्रेजेंट करते हुए, जिससे सारी दुनिया रिलेट कर सकती थी। करण जौहर नहीं यार, दे आर पुअर मैन, मजा नहीं आएगा यार। तो हम क्या करेंगे, हम रिच क्लास दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं रिच मदरफकर, मुझे घंटा भर नहीं पड़ता, पैसे तो बना ही लेंगे। अब ब्रो गाने का क्या भाई, नो पब्लिसिटी इज बैड पब्लिसिटी, हम सारी चीजें घटिया करेंगे, सारी चीजें घटिया करेंगे, लोग अपने आप बात करेंगे, इतनी ज्यादा घटिया बातें करेंगे, इतनी ज्यादा घटिया बातें करेंगे कि लोग जाके थिएटर में देखेंगे। I make brilliant ideas. Brilliant ideas, sir. Brilliant. मैं सही बता रहा हूँ, धड़क का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ही बैड पब्लिसिटी है, क्योंकि उनको पहले दिन से एक बात पता थी कि चाहे वो धड़क करे या सैरत का रीमेक हिंदी में वो ही कर दे सेम मूवी, लोग उनको जज करेंगे और जिन्होंने देखी हुई है वो स्टार किड को देखने नहीं जाएंगे थिएटर में। तो इतनी घटिया चीजें करो फिल्म के साथ, इतनी घटिया चीजें करो कि उन्हें थिएटर जाना ही पड़े ये देखने के लिए। हम लोग गलत तो नहीं है, क्योंकि भैया मार्केटिंग का बेसिक रूल है नो पब्लिसिटी इज बैड पब्लिसिटी। देख लेना आने वाले समय में तुम्हें पता चलेगा कितने करोड़ कमाए इस मूवी ने, और सैरत तो स्टैंड भी नहीं करेगी जितने करोड़ ये कमाएगी। बट एक लौती चीज जिसमें सैरत इससे हमेशा आगे रहेगी वो है लोगों के दिलों में। बट अगेन ये मेरे ओपिनियन, बिल्कुल जानना चाहूंगा तुम लोग क्या सोचते हो, क्या तुम भी मेरे साथ एग्री करते हो कि इस गाने को सुनने के बाद तुम्हें बाबा सीट जैसी फीलिंग आई, तुम्हारा दिल भी ये कह रहा था साला हिंदुस्तान में जब तक सनीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे, या तुम उसे डिसएग्री करते हो कि नहीं एक नंबर गाना है, सैरत वाला घटिया था ये बेटर है। बाय गॉड बता रहा हूँ, अगर तुम मेरे से इस बात पर डिसएग्री कर गए ना अनसब्सक्राइब कर दो चैनल, सही बता रहा हूँ, मुझे डर भी नहीं तुम्हारा जाने का। अबे स्टैंडर्ड नहीं गिराना, पहले इतना गिराया पड़ा तुमने मेरे को लेके, इसको लेके और गिराओगे, छी घिन आती है मुझे। और गलती से तुम उस थर्ड कैंड में आते हो ना, जो मराठी वर्जन सुनने के बाद हिंदी वर्जन सुनते हो और दिल से कहते हैं भाई पढ़ लो मतलब लिटरली इसका कमेंट सेक्शन पढ़ोगे ना तुम, आधे से ज्यादा लोगों ने लिखा हुआ कॉपी। अबे ऑफिशियल रीमेक है, कॉपी चला। अबे कौन सा मार भूख रहे हो, बी अ सैवेज मैन, बी संस्कारी, रिस्पेक्ट। चेक आउट mevogany.com/shop, लिंक इन डिस्क्रिप्शन ब्रो। और फाइनल स्टोरी के लिए मेरे पास पड़ा है द लेजेंडरी न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया। जी हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये वही न्यूज़पेपर है जिसमें न्यूज से ज्यादा एड्स होती है, ये वही न्यूज़पेपर है जिसकी सब्सक्रिप्शन तुम्हारे घर वालों ने सिर्फ इसलिए ली है वो रद्दी जमा कर सके, ये वही न्यूज़पेपर है जिसने बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज कवर करी थी लास्ट वीक जब हमने करा था कोई न्यूज, तैमूर ने अपने बाप को अब्बा बोला। Keep doing the great journalism, bro. तुम्हारी वजह से मेरा चैनल चलेगा, करते रहो। I know, तुम में से बहुत सारे लोग इस चीज के लिए ऑफेंड हो सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया पे, बट मैं नहीं, मैं प्राउड है। मतलब कंसिस्टेंटली लोगों को डिसअपॉइंट करना अगर तुम्हें सीखना है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया से सीखे। उनका सब सिंपल है बे, हसल, रॉयल्टी, रिस्पेक्ट, दे डोंट गिव अ फक, दे ओनली केयर अबाउट वन थिंग, पैसे। जबरदस्ती किया मैंने प्लग मारने के लिए, मैं हूँ mevogany.com/shop, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, बाय करो। 1 तारीख को आएगा नया कलेक्शन, चेक करना बे, 1 नंबर, बाय गॉड। मुझे लोग एडवर्टाइजमेंट के लिए बोलते हैं, मैं मना कर देता हूँ, मतलब क्या एडवर्टाइजमेंट करूंगा मैं दूसरों की, जब मैं खुद का इतना प्लग मारता है। अगर मैं दूसरे को ले आऊंगा तुम लोग चिंदी चोर बोलोगे मुझे। तो इस बार भी टाइम्स ऑफ इंडिया ने हमें डिसअपॉइंट नहीं किया, क्योंकि इस बार उनकी न्यूज का आर्टिकल है ऐश्वर्या राय डॉटर कैन बी पीएम एस्ट्रोलॉजर। टाइमर देख रहे हो, प्राइम मिनिस्टर बनेगी ऐश्वर्या राय की बेटी और प्रेसिडेंट बनेगा अभिषेक बच्चन। मैं बता रहा हूँ अब तैमूर ना कॉम्पिटिशन आ गया तैमूर के लिए। 2019 में तुम रो रहे थे ना कि मोदी के खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है, लो आ गया मेरा वोट अयोध्या के लिए। अरे बच्ची है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, डिज्नीलैंड चली जाएगी, ये थोड़ी कि हर वक्त फॉरेन विजिट मार रही है। और बच्चों का दिल साफ दिल होता है बे, मैं तो कहता हूँ फ्री में टॉफी खिला दे, करप्शन ना मिटा पाए तो, मेरा वोट अयोध्या के लिए। और फनी चीज पता क्या है, ये जो एस्ट्रोलॉजर था ना जिसने भविष्यवाणी करी कि ऐश्वर्या राय की बेटी प्राइम मिनिस्टर बनेगी, ये एस्ट्रोलॉजर अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय अमिताभ बच्चन ने हायर भी नहीं किया, ये हायर किया था टाइम्स ऑफ इंडिया वालों ने। मतलब एक ट्रू जर्नलिज्म तुम्हें पता क्या होती है, यही होती है जब न्यूज ना मिले ना न्यूज बना दो। टाइम्स ऑफ इंडिया वालों दिमाग में क्या चल रहा है यार, बहुत दिन हो गए यार, गालियां नहीं पड़ी, लास्ट टाइम तैमूर भाई पड़ी थी यार, कुछ नया करना पड़ेगा। सर आई हैव एन आईडिया, हम ना एक पंडित बुलाते सर और पंडित को आराध्य की कुंडली दिखाते सर, पता चल जाएगा कितने शादी होगी, क्या करेगी फ्यूचर में, वही छापेंगे सर। यार शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा यार, काम करो प्राइम मिनिस्टर बन, पंडित प्राइम मिनिस्टर बननी चाहिए लड़की, यही बनी ना तेरा करियर खत्म है, प्राइम मिनिस्टर बनेगी सर, बनेगी सर। आर्टिकल सही बता रहा हूँ, ऐसे आर्टिकल ना गांजा और चरस फूकने के बाद ही लिखे जा सकते हैं।
वरना असली जर्नलिस्ट तो सुसाइड कर लेगा ऐसी न्यूज लिखने से पहले। नहीं नहीं नहीं, मेरा कुछ भी अगेंस्ट नहीं है टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ। कल को आज प्राइम मिनिस्टर बन गई, ठीक है, टाइम राहुल गांधी बनेगा, झोंक मार लेगा हम भी उस पे, क्या दिक्कत है। बट मेरा सवाल टाइम्स ऑफ इंडिया वालों से, तुम सीरियस न्यूज के बारे में कब सोचोगे? पैसा तुम एडवर्टाइजमेंट से बना रहे हो, क्लिकबेट करना कब छोड़ोगे? तुम लोग कहते हो ना मैं सबसे बड़ा क्लिकबेटर हूं। नहीं बे, मेरे से बड़े क्लिकबेट मारता है टाइम्स ऑफ इंडिया, एक बार देखो तो सही, क्योंकि मेरे घर में भी टाइम्स ऑफ इंडिया आता है रद्दी के लिए। बट अगेन ये मेरे ओपिनियन, मैं बिल्कुल जानना चाहूंगा तुम लोग क्या सोचते हो। यार टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत रिलायबल न्यूज सोर्स है, वो वही कर रहे जो उन्हें करना चाहिए, या तुम्हारे साथ एग्री करते हो कि टाइम्स ऑफ इंडिया को न्यूज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, एक्चुअल न्यूज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। जितना टाइम वो एंटरटेनमेंट न्यूज क्रिएट करने में दे रहे हैं, उससे थोड़ा ज्यादा टाइम सीरियस न्यूज को दे, ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले। इनके अवेयरनेस वाली न्यूज भी पढ़ के देखो बे, तुम्हारे दिल से सिर्फ एक ही जवाब आता है, ये तो टट्टी है। और इसी नोट पे यही डूबेंट होगा ये एपिसोड, यही खत्म करें। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया, और अगर एंजॉय किया तो लाइक करना भूलना, नए हो तो सब्सक्राइब करना भूलना। यू नो व्हाई, वी आर प्राउड सेना मैन, वी आर द स्ट्रांगेस्ट फैमिली ऑन द इंटरनेट, वी आर द मोस्ट सब्सक्राइब्ड फैमिली। सो जस्ट इनके तुमने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाल बटन देख ले, मैं सब्सक्राइब बटन है, ज्वाइन प्राउड सेना मैन। ऑल्सो चेक आउट mauvi.com/shop, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एक तरीको आएंगे नए डिजाइन, नए कलर, नए स्टाइल, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। और अभी के लिए देखो, अभी आपसे अगली मुलाकात होगी कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए peace out. Hey, if you won't give it to me, I'ma take it. मुझे कोई ये जवाब दो, कितने लाख का ये लहंगा पहने इसने? कितने लाख का ये, और किस डिजाइनर ने बनाया है? साला कल को मैं कॉपी बना के अपनी वेबसाइट से बेचेगा।